क्लब यू टू डेथ नाम की एक बुक पे बेस्ड मर्डर मुबारक मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जो एक वुडनिट मर्डर मिस्ट्री है। वुडनिट का मतलब क्या होता है कि कोई फिल्म या कहानी में स्टार्टिंग में कुछ ही मिनट में एक मर्डर हो जाता है, उसके घर के परिवार वाले या फिर दोस्त उस घर में उस टाइम पे थे वो सारे सस्पेक्ट होते हैं। अब लास्ट तक उस पे इन्वेस्टिगेशन चलता है कि ये मर्डर किसने किया है। बेस्ट एग्जाम्पल है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस या फिर नाइस आउट, और बॉलीवुड की बात करें तो 36 चाइना टाउन जैसी फिल्म है। अब इस मर्डर मुबारक मूवी की बात करें तो ये फिल्म में दिल्ली और उसके अमीर लोगों के बीच में एक मर्डर हो जाता है एक क्लब में, जहाँ पे अमीर लोग आते हैं, बातें करते हैं, गोल्फ वगैरह खेलते हैं और खाना बाना खाते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं, और वही होता है एक मर्डर। पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में एज ए पुलिस पूरा केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपके क्लब में एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। अब इस फिल्म में इतने अमीर लोग दिखाए हैं कि मर्डर हो गया है फिर भी उसकी पार्टियां चालू है। मेन लीड में विजय वर्मा और सारा अली खान। इन दोनों में से विजय वर्मा का काम अच्छा लगा, सारा का कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ओवर एक्टिंग हो जाती है, और विजय वर्मा के भी जो स्किल है उसको पूरी तरह से इस फिल्म में हम देखते नहीं है। स्टोरी में मुझे काफी अननेसेसरी चीजें लगी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसके कारण मूवी की लेंथ काफी बड़ी हो जाती है 2 घंटे 30 मिनट की, जो साथ देखने पे काफी बोरिंग लगती है। और एक टाइम पे लगेगा कि कौन मर्डर है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी अननेसेसरी चीजें हैं, बेकार के जोक्स है, काफी कुछ खास हंसी आए वैसे जोक्स भी नहीं आते हैं। ऐसे किसी को मार देना आसान होता है? 2-3 किलो तो ऐसे पसीने में निकल जाता होगा। तो मुझे डेफिनेटली किसी का मर्डर कर देना चाहिए, पेट अंदर हो जाएंगे, मेरे हिप्स भी थोड़ी शेप में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हॉलीवुड की फिल्म नाइस आउट, जो भी सेम मर्डर मिस्ट्री है, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट आप आगे पीछे क्रेडिट्स के निकाल दो तो 2 घंटे की लेंथ, और बस मर्डर ही डिस्कस होता है। इसमें फालतू के जोक्स है, गॉसिप्स है, वो काफी सारा टाइम पास है। इस फिल्म को मेरे हिसाब से 1 घंटे 45 मिनट की हो तो आपको बोर नहीं करेगी और देखने में अच्छी लगेगी। तो अगर आपने ऐसी फिल्म आगे देखी है तो आप शायद इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे कि ये मर्डर किसने किया है। और मैं तो इसे 2.5 out of 5 stars दूंगा, वो भी पंकज त्रिपाठी की और विजय वर्मा की एक्टिंग को देख के। बाकी कुछ खास उतना अच्छा नहीं लगा, आप इस मूवी को छोड़ भी सकते हो। अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई। कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट वुडन इट ऐसी मर्डर मिस्ट्री कौन सी है। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे देखिए ये वाला वीडियो। मूवीज और सीरीज के लिए फाइंड माय फिल्म को सब्सक्राइब करें।